आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर अफोर्डेबल मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट करने में जितने भी सारे मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं सारे ही अंडर 250 रुपीज के अंदर ही है। तो इस लुक को मैं एक रेड साड़ी एंड ब्लैक ब्लाउज के ऊपर क्रिएट किया है। आप चाहे तो कोई भी आउटफिट के साथ ये वाला लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो चलो इस लुक को मैं कैसे क्रिएट करती हूँ वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप सबके पास जा सके। और अगर मुझे कोई सोशल साइट्स में फॉलो करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक मॉइस्चराइजर। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइजर लिया है। ये आपके फेस को 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखता है। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करूंगी। देन 5 मिनट वेट करने के बाद NYB का ब्राइटनिंग प्राइमर लिया है। ये आपके फेस पे एक ग्लो देगा एंड आपके फाउंडेशन को एक अच्छी तरह से ब्लेंड करेगा। एंड ये जो प्राइमर है ये हाइड्रेटिंग आपके फेस को हाइड्रेटिंग रखता है। तो इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन के लिए लिया है ब्लू हेवन का हाइड्रेटिंग स्किन टिंट फाउंडेशन इन दिस सेट कैरामेल। इसका प्राइस है 350 रुपीज, लेकिन आपको ये पर्पल पे आराम से 30-40% ऑफ मिल जाएगा। तो ये मैंने ओनली 248 रुपीज में लिया है। तो इसे मैं अपने हाथों पे लेके देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी, देन ब्लेंड करूंगी। तो इस तरीके से आप अगर ब्लेंड करोगे तो आपको एक सीमलेसली फाउंडेशन ब्लेंड होगा। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे नेक पे एंड ईयर पे ब्लेंड करूंगी। उसके बाद कंसीलर के लिए लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी सेट 01। तो इसे मैं अपने फोरहेड नोज चीन अंडर आई आईलिड पे अप्लाई करने के बाद डैब ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी डैबिंग मोशन पे। तो अगर आप कोई भी अफोर्डेबल बजट में एक कंसीलर लेना चाहते हो तो आप इस वाले कंसीलर को ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। ब्लेंड कर लेने के बाद पूरे फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फेस कनाडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट लिया है। इसमें SPF 20 है। इसमें जो मेरा सेट है वो है सेंड 04। तो इसका प्राइस है 199 रुपीज। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी एंड नेक पर भी अप्लाई करना है। देन ब्लश के लिए लिया है स्टे कोटिक का ब्लश इन दिस सेट पिंक डिवा 1। तो इसे मैं अपने चीक बोन नोज एंड चिन पर अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ से अप्लाई करना स्टार्ट किया है। हाइलाइटर के लिए लिया है NYB का हाइलाइटर इन दिस सेट गोल्ड ग्लो। तो इसे मैं अपने नोज फोरहेड ब्राउ बोन चिक बोन क्यूपिड बो चिन पर अप्लाई किया है ब्रश की मदद से। अब अगर आप कोई अच्छा सा हाइलाइटर लेना चाहते हो तो इस वाले हाइलाइटर को ले सकते हो। देन पूरे फेस को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है। इसमें एलोवेरा एंड विटामिन ई है। तो ये आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग करता है। देन आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैट लुक का आईब्रो पेंसिल लिया है इन दिस सेट 03 डार्क ब्राउन। तो इसकी मदद से मैं आईब्रो को अच्छी तरह से डिफाइन करूँगी एंड स्पूल की मदद से उसे ब्लेंड आउट करूँगी। देन आई शेडो पैलेट के लिए लिया है मार्स का आई शेडो पैलेट इन दिस सेट स्मोक इट अप। तो इस पैलेट में से ये ब्राउन सेट को लेके अपने आईलिड पे पहले प्लेस करूँगी, उसके बाद ब्लेंड करूँगी। सेम सेट को लेके मैं लोअर लेस लाइन पर भी ब्लेंड किया है। उसके बाद ये पीची सा ब्राउन सेट को लेके एज अ ट्रांजिशन अप्लाई करूँगी क्रीज के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे फ्लफी ब्रश की मदद से ब्लेंड किया है। देन ब्लैक आई शेडो को लेके मैं अपने आउटर वी पे पहले प्लेस किया है, उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। तो उसी को मैं अपने लोअर लेस लाइन पर भी ब्लेंड किया है। देन एक सिमरी सेट को
लेके मैं अपने आई लिड पे अप्लाई करूंगी फिंगर टिप्स की मदद से। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। देन इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। देन व्हाइट काजल के लिए लिया है स्विस ब्यूटी का काजल इन द शेड व्हाइट 07। आप चाहे तो ब्लैक काजल भी यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ अपने वाटर लाइन पे अप्लाई किया है। देन आईलाइनर के लिए लिया है मेबलिन का द कोलोसल बोल्ड लाइनर। तो इसकी मदद से मैं एक थिन आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मस्कारा के लिए लिया है ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। तो इसकी मदद से मैं अपने अपर एंड लोअर लैसेस पे 2-3 कोट अप्लाई करूंगी। देन लिपस्टिक के लिए लिया है एनुअर बे का लिपस्टिक इन द शेड मिरांडा फर्स्ट किस 25। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक पसंद है प्लीज एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट करना कि आपको ये लुक कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। बाय।